तो जिन नियमों से कोई देश चलता है उसी नियमों के समूह को, उन्हीं नियमों के समूह को हम बोलते हैं संविधान। आप समझिए, जैसे आपका घर है, आपने अपने घर के लिए नियम बनाए। मान लेते हैं आपका घर का नाम है एक्स, यहां पर एक पड़ोसी का घर है वाई। ये पड़ोसी आपको आकर कहे, अरे भैया आज से आपका नियम नहीं हमारा नियम लागू होगा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारा घर हमारे नियम से चलेगा। ठीक इसी तरह से नियमों के जिन समूहों से कोई देश चलता है उसको बोलते हैं संविधान। तो जिस तरह से आपके जो नियम है आपके घर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से जो संविधान होता है वह किसी देश, मान लेते हैं कोई यह देश है और इसकी बाउंड्री है, मान लेते हैं ये देश, तो किसी देश का जो सुप्रीम लॉ होता है, जो सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, या हिंदी में बोलेंगे किसी देश के सर्वोच्च कानूनों के समूह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि वह जो देश है वह देश कैसे चलेगा, उन नियमों और कानूनों से चलेगा। जैसे हमारा देश है, अगर हमारा देश है तो हमारे देश में कानून कौन से होंगे? हमारा, मान लो यहां पर एक छोटा सा देश है मालदीव, ये कहे कि नहीं आज से हमारा नियम चलेगा, हमारा कानून चलेगा, तो हम क्या कहेंगे कि भैया तुमने शायद सही से सुना नहीं, हमारे देश पर हमारा ही कानून चलेगा, हमारे ही नियम चलेंगे। अच्छा तुमको एक और बात बता दें, हमारे कानूनों में एक और कानून है। मौलवी पूछेगा क्या? हम कहेंगे कि हमारे यहां पर एक कानून ये भी है कि कोई अगर हमारी जमीन में, कोई हमारे जल क्षेत्र में, कोई हमारे वायु क्षेत्र में बिना हमारे परमिशन के हस्तक्षेप करता है तो हम क्या करेंगे, उसको अपने देश का हिस्सा बना लेंगे। मालदीव कहेगा मतलब? तो आप कहेंगे मतलब यह है कि चुपचाप जहां पर हो, जितने क्षेत्र में हो, अपना कानून अपने हिसाब से चलाओ, हमको टोका टिप्पणी की तो हम अपना कानून लागू कर देंगे, तो मालदीव नाम का कोई देश नहीं रह जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है, मालदीव के अपने कानून है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो यहां पर जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे जो कि इस समय राष्ट्रपति हैं मोइजो, है ना, उन्होंने अपने देश में नारा दिया बायकॉट इंडिया, अर्थात इंडिया का बहिष्कार करने का उन्होंने नारा दिया, और उन्होंने कहा कि यहां से जितने भी सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं, हवाई हेलीकॉप्टर है, वो सब लेकर जाए, तो हमें उनके कानून को मानना पड़ा, तो वह उनके देश का सर्वोच्च कानून है। ऐसे ही हमारे देश का भी जो सर्वोच्च कानून है उसी कानूनों के समूह को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो है कि संविधान। तो संविधान का मतलब यह है कि पूरा जो देश है वह देश आखिर किससे चलेगा, उसके लिए कुछ नियम बने होंगे, रूल्स बने होंगे, कुछ लॉ बने होंगे, कुछ लॉ बने होंगे। अब देखिए यहां पर एक शब्द है, आप थोड़ा सा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो, एक शब्द है नियम, एक शब्द है कानून। तो नियम कई तरह के होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको मानना और ना मानना आपके हाथ, आप उसको अपने हिसाब से इंटरटेन कर सकते हो। जैसे आपके कुछ कर्तव्य हैं एक तरह के नियम के तौर पर, आप मानते हो कितना उसको फॉलो करते हो कितना नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून क्या होता है, नियमों का ऐसा रूप, सिद्धांत दीजिएगा, नियमों का ऐसा रूप जिसके उल्लंघन पर आपको पनिशमेंट दिया जा सके वो क्या कहलाता है, वो कानून कहलाता है। तो अगर आप नियम तोड़ते हैं, है ना, और वो नियमों के साथ एक लीगल टेंडर है, एक लीगल बाध्यता है, तो क्या है वह लॉ हो जाता है, वो कानून हो जाता है। तो रूल या लॉ कुछ भी कह लो, नियम और कानून, तो नियम और कानूनों के इस समूह को
हम कह रहे हैं संविधान। अब जो नियम और कानून है कई जगहों पर एक किताब के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे देश का एक संविधान है, जैसे आप देखते होंगे आपके जिले के चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति हो सकता लगी हो, उनके हाथ में एक किताब है, वह किताब क्या है, यही हमारे देश का संविधान। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जब भी कहीं जाते थे वो एक किताब लेकर चलते थे, वो किताब है क्या, वही तो संविधान है, वही संविधान हमें बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि संविधान बदल देंगे, इसका मतलब है कि इस बुक में जो चीजें लिखी गई हैं उसको वो बदल देंगे, और बुक बदल गया इसका मतलब नियम बदल गए, और नियम बदल गया इसका मतलब है संविधान बदल गया, और संविधान अगर बदला तो बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाती। आप देखिए यही कांग्रेस जो आज संविधान बचाओ का नारा देती है, कहती है संविधान पर हमला हुआ है, जब इससे पूछा जाता है अच्छा अच्छा ये बताइए ये 25 जून 1975 को क्या हुआ था, 1975 में ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने इमरजेंसी लगा दी थी। कांग्रेस के लोग चुप हो जाते हैं, वह कहते हैं हमसे गलती हुई थी और हमने उसकी सजा को भुगता। तो आपको भी पता है 1975 में या 1970 का जो दशक है इसमें कांग्रेस पार्टी में जो लीडर आए उन्होंने क्या किया, संविधान को बदल। संविधान को जब बदलने की बात आएगी आगे मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा पानी पी लेना दीजिए, एक सेकंड पानी पी लेना दीजिए। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मैंने सुबह भी क्लियर किया था, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मेरे लिए सभी राजनीतिक दल एक समान। तो जब मैं इस तरह का कोई कमेंट बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस विरोध हूं, अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो बीजेपी के अगेंस्ट में है तो इसका मतलब नहीं मैं बीजेपी विरोधी हूं। मैं यहां पर एक ऐसे नागरिक के तौर पर, एक ऐसे टीचर के तौर पर खड़ा हुआ हूं जो न्यूट्रल, और जब हम न्यूट्रल रहेंगे तभी हम संविधान के अनुसार अपने देश को चला पाए। आप देखिए जब भी कोई अधिकारी किसी राजनीतिक दल की ओर झुकाव रखेगा तो क्या वह सही से, क्या वह सही से शासन व्यवस्था को चला पाए, प्रशासन को चला पाएगा, क्या वह सभी लोगों को सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या वह नियमों और कानूनों को सही से मानेगा, नहीं मानेगा। तो अधिकारी भी न्यूट्रल है तो आपको न्यूट्रल रहना है। तो अब आप देखिए, तो हमने कहा कि संविधान क्या है, किसी देश को चलाने वाले नियमों कानूनों का समूह जो एक बुक के फॉर्म में हो सकता है जैसे हमारे यहां पर है, और यह हो सकता है बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स इसका मतलब है हो सकता है वो किताब ना हो, कुछ पेजेस हो, कुछ ऑर्डर हो, जैसे मैं मान लेते हैं मान लेते हैं आज मैंने क्या किया, यह नियम बनाया इस ऑफिस के लिए, ठीक यह नियम बन गया, अगले दिन मैंने कहा आज से यह नियम भी लागू होता है, अगले दिन मैंने कहा यह भी नियम लागू होता है, 8-10 दिन में इस तरह से नियम बनाते बनाते कई पेज के नियम हो गए और हमारा ऑफिस इसी तरह से चल रहा है। इसी तरह से आपके घर का नियम, आज आपने परिवार के लिए कुछ नियम बनाए, कल कुछ नियम बनाए, तो हो सकता है ऐसे नंबर ऑफ पेजेस, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ सहमति, कोई संविधान जरूर नहीं कि लिखित ही हो, एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में ही हो, नहीं नहीं सहमति, जैसे आपका परिवार चलता है तो क्या वो चीजें लिखी हुई हैं क्या, नहीं ना, वह अंडरस्टूड है। इसी तरह से हम ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है कई जगहों बहुत सी चीजें लिखी नहीं गई है, कुछ उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह के जो मैंने आपको पेज दिखाए है ना, और कुछ उनके पास इसी तरह के वैल्यू हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपने देश को चलाते चलाते कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हम घर के नियमों को अपना लेते हैं। तो क्या हो सकता है
कि जो संविधान है जो कि रूल और लॉ का एक संकलन है, ये बुक के फॉर्म में हो सकता है, ये बंच के रूप में होता है, ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है। तो क्या समझा हमने, ये कोई भी देश होगा, इस देश को, यह है कोई देश, इस देश को चलाने वाली जो सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च जो विधि है, इस सर्वोच्च विधि को आपने कहा संविधान। और ये संविधान ही क्या है, इसी ये यही क्या करेगा, देश को चलाएगा। अब जब ये देश को चलाएगा तो आपने कहा यह बुक के रूप में हो सकता है, यह डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है, और यह अलिखित भी हो सकता है। आगे चलकर मैं अभी ब्रिटेन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये अलिखित भी हो सकता है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमने कुछ मान लिया है। अब जो संविधान है, ये संविधान करेगा क्या, सबसे पहले जो संविधान करता है वह किसी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो कोई भी जो संविधान होता है उस देश को क्या करता है, वह संप्रभु बनाता है, संप्रभु अर्थात सॉवरेन बनाता है। अब संप्रभु का मतलब क्या है, जैसे जब आप अधिकारी बन जाएंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो क्या आप किसी दूसरे के हिसाब से अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, अपने हिसाब से आप कहेंगे कि हम सर्वशक्तिमान हैं या फिर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने विषय में हम खुद निर्णय लेंगे, ठीक किसी तरह से। संप्रभु का अर्थ होता है कि जब कोई देश है ना, कोई भी जो देश है, कोई भी देश अगर वह अपने आंतरिक और बाहरी जितने भी मामले हैं उसके विषय में अगर खुद से वह निर्णय लेता है, जैसे हमारे यहां पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, हमारे यहां पर फाइनेंस का सिस्टम क्या होगा, हमारे यहां की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, हमारे यहां की एजुकेशनल पॉलिसी क्या होगी, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, सभी कुछ। जैसे अभी आपने देखा कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो कई देशों की सरकारों ने हमसे कहा कि भारत को अपने देश के किसानों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने एक ही टुक बोला, क्या बोला, भारत ने कहा हम अपने देश को लेकर चलाने की संप्रभुता रखते हैं, हमें किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, अर्थात हमें कोई ये नहीं बता सकता कि हम आंतरिक स्तर पर और बाहरी स्तर पर किसके साथ क्या संबंध रखें, क्या कानून बनाए, कौन से नियम बनाए। जैसे CAA आया तो बहुत से अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और कई देशों ने कहा ये कानून ठीक नहीं है, भारत ने कहा हम संप्रभु हैं, बात ही खत्म। संप्रभु का मतलब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें किस प्रकार के कानून है। हम इसी तरह से मान लेते हैं अभी जो है कि प्रधानमंत्री जी रूस के दौरे पर गए, अमेरिका पश्चिमी यूरोप के कई देशों ने कहा कि गलत बात है ना रूस के साथ, भारत ने कहा हम संप्रभु हैं, हम रूस के साथ किसी भी देश के साथ, अमेरिका चीन जापान किसी भी देश के साथ क्या निर्णय क्या संबंध रखेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे क्योंकि हम संप्रभु हैं। संप्रभु को आप इस रूप में समझिए, ये आपका घर है। अब घर के अंदर और घर के बाहर के लोगों के साथ आप क्या संबंध रखेंगे, ये आप ही डिसाइड करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा तो डिसाइड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने घर में संप्रभुता रखते हैं। ठीक इसी तरह से कोई भी देश अपने जब वह आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए जो है कि स्वयं निर्णय लेता है, यह आंतरिक और बाहरिक जितने भी मामले होते हैं उन पर स्वयं निर्णय ले और इसको कोई आदेश देने वाला ना हो या कि इस पर आदेश अपना थोप ना सके तो हम कहेंगे वो देश क्या है, संप्रभु है। तो संविधान क्या करता है, पहला काम जो करता है किसी भी देश का संविधान, वह उस देश को संप्रभु घोषित करता है। जैसे छोटा सा देश है मालदीव, लेकिन वो क्या है, संप्रभु है, हम उसकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। आप देखिए बगल में हमारे जितने भी देश हैं सब अपने आप में संप्रभु हैं, हम उनकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, वह अपने संविधान के हिसाब से अपनी चीजों को चलाते हैं। अगला,
जो संविधान होता है वो अगला काम करता है, वह विधि का शासन सुनिश्चित करता है। अब विधि का शासन का मतलब क्या है? विधि का शासन का मतलब यह है कि जो कुछ भी होगा वह कानून के अनुसार होगा। जैसे मान लेते हैं ना, अभी चुनाव हुआ और बीजेपी की सीटें घट गई, बीजेपी गए, हम नहीं मान रहे, नहीं मान, हम जीत गए, हमने 400 ज्यादा 400 प्लस सीटें प्राप्त कर ली। कांग्रेस वाले कहेंगे, मीडिया वाले कहेंगे, आप कहेंगे, अरे नहीं भैया, कहां 400, 300 भी नहीं है, करना ना, हमने मान लिया। अरे कैसे मान लिया, चुनाव आयोग ने तो नहीं कहा। चुनाव आयोग कौन, हम नहीं मानते, हम ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? विधि नहीं हुई। विधि क्या कहती है? कि चुनाव होगा, चुनाव में कौन जीता कौन हारा चुनाव आयोग बताएगा। चुनाव आयोग जिसको जितनी सीटें बताएगा उसी को क्या माना जाएगा, सीटों की संख्या बना जाएगा। क्यों? क्योंकि यही विधि कहती है। ठीक है, तो यही क्या करती है? विधि। तो विधि का शासन का मतलब है कि जो कुछ भी होगा, जैसे अभी आपने देखा कि बहुत से लोगों की मांग है कि भाई ऐसा करो, ये जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास है, उस पर टैक्स ज्यादा लगाओ, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई किसानों के लिए ये जो एमएसपी बढ़ाई जा रही है, आगे बताएंगे एमएसपी क्या है, तो इसको घटाओ। अब बहुत सी चीजें हैं, हर चीज क्या होती है, विधि से चलती है। मान लो किसी का अभी एक्सीडेंट हो जाए, है ना, एक व्यक्ति, आप अपने ऊपर मत, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, मेरे परिवार का कोई सदस्य है, वह बाहर निकला, एक बाइक वाला आया, उसने उसको टक्कर मारी, मेरे परिवार के सदस्य ने दुनिया छोड़ दी। अब हम जो है कि गुस्से में हम कहेंगे नहीं अभी फांसी दो, क्या उसको फांसी संभव हो सकती है? संभव हो सकती है? नहीं, कभी भी उसको फांसी संभव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कानून नहीं है। तो जो कुछ भी होगा वो विधि के अनुसार होगा, लॉ के अनुसार होगा। तो संविधान दूसरा काम क्या करता है, जो कुछ भी देश के अंदर होगा उसको वैलिडेट करता है। जैसे आखिर क्यों बीजेपी की ही सरकार बनी है, क्योंकि उनके पास सीटें ज्यादा हैं, और जिसकी सीट ज्यादा होगी वही सरकार बनाए, कौन कहे, विधि कह रही है। ठीक इसी तरह से चुनाव होंगे, उपचुनाव, अभी आप देख रहे उपचुनाव होने जा रहे हैं, और उपचुनाव कुछ हुए तो उपचुनाव क्यों होंगे, क्योंकि विधि कहती है कि कोई सीट रिक्त होगा तो उस पर दोबारा चुनाव करवाया जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर संविधान क्या करता है, विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। अगला क्या करता है संविधान, संविधान यह बताता है कि जो शासन व्यवस्था है वह कैसे चलाई जाए। अब प्रश्न आएगा कि शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, शासन व्यवस्था का मतलब यह है कि जो देश के अंदर जो भी कार्य होंगे ना, देश के अंदर जो भी कार्य होंगे वो कैसे होंगे, जैसे कि हमारे यहां पर शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी, हमारे यहां पर स्वास्थ्य की क्या सुविधा होगी। एक सेकेंड, स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे यहां पर जो टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन का जो नियम है वह कैसा होगा, हमारे यहां पर व्यापार का क्या नियम होगा, हमारे यहां पर पड़ोसी देशों के साथ क्या इसको छोड़ दो, हमारे यहां पर जो लोगों के अधिकार हैं वह कैसे होंगे, ये सभी कौन डिसाइड करता है, सरकार, शासन कौन चलता है। देखिए जो लोग जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ना, मैं एक मिनट में इसको बता दे रहा हूं फिर वहीं पर लौटूंगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, है ना, वह क्या होते हैं, शासन का हिस्सा होते हैं। जैसे मान लो यह आपका राज्य, आपके राज्य से विधायक चुनकर आए, इन्हीं विधायकों में से एक सीएम बने और कुछ जो है कि अन्य लोग मंत्री बने, ये क्या बन गए, शासन का हिस्सा बन गए। तो हर राज्य में जो ऊपर के लेवल है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कुछ एक सीएम है, कुछ मंत्री हैं, और इन मंत्रियों को मदद देने के लिए आप जैसे अधिकारी हैं, जो लोग सचिवालय के स्तर पर बैठकर निर्णय लेते हैं वो शासन का हिस्सा है। और आप अगर डीएम है, एसपी है, आप जिले के स्तर पर है, तो शासन जो भी नियम बनाएगा आप क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
आप क्या होते हैं? प्रशासन का हिस्सा है। तो एक शब्द होता है शासन। शासन कौन है कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रियों के साथ या किसी मंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर क्या नियम बनाए, तो इसको बोलेंगे शासन नियम बना रहा। अब वो जो भी नियम बनाए जा रहे हैं राज्य के स्तर पर उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एग्जीक्यूट कौन कहां करेगा? राज्य के जिले के स्तर पर किया जाएगा, गांव के स्तर पर किया जाएगा। तो गांव और जिला के स्तर पर जितने लोग इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे वह सब क्या कहलाएंगे? वह प्रशासन का हिस्सा माने जाएंगे। तो आप जब डीएम हैं, एसपी हैं, आप एसडीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं, आप दरोगा हैं, जो कुछ भी हैं, आप प्रशासन का हिस्सा। आप अगर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या फिर आप ऐसे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति सचिवालय के स्तर पर की गई है, जो मुख्यमंत्री और मंत्री की मदद कर रहे हैं, आप सब क्या है? शासन का हिस्सा। अब देखिए, मैंने कहा कि संविधान क्या करता है, शासन व्यवस्था के कार्यों को निर्धारित करता है, अर्थात बताता है कि शासन व्यवस्था कैसे होगी। जैसे हमारे यहां की शासन व्यवस्था में संविधान बताता है और कहता है कि भाई अधिक से अधिक लोगों को क्या करो, शिक्षित करो, सभी लोगों को क्या करो, है ना, बेहतर वातावरण दो ताकि वह अपना जीवन का विकास कर सके। हम लोगों ने क्या किया है, मिश्रित एग्रीकल्चर की एक्टिविटी अपनाई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। तो जितनी भी चीजें, अर्थात शासन से लेकर प्रशासन तक की जितनी भी चीजें हैं, वो कैसी होंगी, वो कौन डिसाइड करता है? वह संविधान डिसाइड करता है। यही जो संविधान है, इसी शासन व्यवस्था में अगर हम जोड़ दें, तो मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं कि हमारे यहां पर जो सामाजिक संरचना है वो कैसी होगी। सामाजिक संरचना मतलब कि भाई समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लिंग के लोग हैं, तो इनके क्या अधिकार होंगे, है ना, महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, ट्रांसजेंडर के क्या अधिकार होंगे, एलजीबीटी कम्युनिटी के क्या अधिकार होंगे, ये समाज होता है। इसी तरह से हमारे देश की जो आर्थिक संरचना है कि क्या जो संसाधन है उन पर किसका नियंत्रण होगा, क्या किसी के पैसे को कोई लूट ले। मान लो आपको लगता है आज आपके पास पैसे की कमी है और आप कहो कि लाओ आज हम जो है कि एक लोहे का डंडा दीजिए, अभी हम अपने घर को संपन्न बनाते हैं, जाकर लूट कर ले आते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक संरचना में क्या है कि भैया अर्थ प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो हमारे सामाजिक आर्थिक संरचना, हमारी जो कानून प्रणाली है कि कौन से कानून किस तरह से होंगे, कानून में कब कब बदलाव होगा, इस सभी चीजें कौन डिसाइड करता है? शासन। और शासन जो कुछ भी करेगा वो किसके आधार पर करेगा? संविधान। आप खुद समझिए, आपने देखा होगा किसी राज्य के द्वारा, अभी आपने देखा कर्नाटक ने जो है कि एक नियम बनाया था कि 10% का आरक्षण मिलेगा, उसको जो है कि हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अभी बिहार में मामला था कि वो आरक्षण देने का प्रयास कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। तो पॉइंट ये है कि ये जो भी कानून बनाए जाते, नियम बनाए जाते हैं, ये भी ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जो चाहे लो कर दे, है ना, या कोई प्रधानमंत्री कोई भी आए कुछ भी कर दे, नहीं, हर चीज जो भी होगी वो संविधान के दायरे में होगी। इसको इस रूप में समझिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपके घर का नियम है, उन नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता, उन नियमों के अंतर्गत ही आपको कई तरह की स्वतंत्रता मिली है। जैसे घर का नियम है कि 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, उसमें अंडरस्टूड है कि अंदर वो कुछ भी करता रहे जिससे डिस्टर्ब ना हो, आप बैठ सकते हो, लेट सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, पढ़ सकते हो, अंडरस्टूड है। ठीक जैसे घर के कुछ नियम बने हैं, आपको उसके दायरे में रहकर कार्य करना है, इसी तरह से चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, सभी को एक लीगल दायरा दिया गया है, और उस लीगल दायरे के अंतर्गत रहते हुए ही जो शासन चलाया जाता है उसी को बोलते हैं संवैधानिक शासन। मान लेते हैं आज प्रधानमंत्री जी को लगे कि नहीं, हम अपने हिसाब से कानून चलाएंगे, शासन चलाएंगे, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने अगर कोई ऐसा कानून बनाया जो कि गलत है, जो हमारे संवैधानिक दायरे से बाहर जाता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रहरी है।
सुप्रीम कोर्ट को क्या जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपने संविधान के दायरे से बाहर ना जा सके। इसीलिए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हथौड़ा मारकर ठीक करता है, कहता है ये कानून ठीक नहीं है, इस कानून में खामी है, आपको इस कानून को दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो कानून को हम क्या कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। तो जब भी कोई भी सरकार होगी वह जो कुछ भी करेगी उसको संविधान के दायरे के अंतर्गत रहकर ही करना हो, और वह जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसको कानून वैलिडेट कर रहा है, जिसको मान्यता दे रहा है, वह सब क्या है, संविधान। जैसे तीन तलाक का कानून, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दी, वह कानून लागू। CAA कानून को स्वीकार किया गया, वह लागू है। ठीक इसी तरह से जो भी कानून बनते हैं, जैसे EWS का मुद्दा आया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये संविधान के खिलाफ है। मामला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया और कहा कि नहीं ये संविधान के अंतर्गत। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमने क्या समझा। संविधान क्या हुआ, सुप्रीम लॉ, लॉ ऑफ लैंड, एक ऐसा कानून जिससे ऊपर देश का कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, एकदम समझ पाए सब लोग, बताइए। हां अभी ये क्लास कम से कम 15 दिन इसी समय चलेगी, और जब टाइम चेंज किया जाएगा तो सबको बता दिया। क्या हम पहला शब्द समझ पाए, संविधान समझ पाए सब लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहीं पर आज क्लास को रोकते हैं, इसकी जर्नी को कल हम आगे बढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए। आज आपका जो होमवर्क है, आज का जो होमवर्क है, आपको बस यही समझाना है संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है इसको आप समझाइएगा। कल मैं कुछ और चीजें बताऊंगा और फिर उसको मैं लैंग्वेज देने का प्रयास करूं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं NCERT की कल सुबह की क्लास में, GS ज्योग्राफी की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।